अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर फातिमा लियाकत, आई एम अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कोल्ड थेरेपी, जो कि हम कोल्ड पैक से दे सकते हैं। इंडिकेशंस फॉर कोल्ड थेरेपी: एक्यूट इंजरी, इन्फ्लेमेशन, एडीमा, स्वेलिंग, सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री बर्न। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस: सर्कुलेटरी इंसफिशेंसी, कोल्ड एलर्जी, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, ओपन वुंड, एडवांस टाइप ऑफ डायबिटीज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: जब हम अफेक्टेड एरिया पर कोल्ड पैक लगाते हैं तो उस एरिया की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी कि उस जगह की ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट करती हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और सोजिश भी कम होना शुरू हो जाती है और एक्यूमुलेटेड फ्लूइड भी वहाँ से मूव कर जाता है। फोर स्टेजेस ऑफ कोल्ड थेरेपी: अनकंफर्टेबल स्टेज, स्टिंगिंग स्टेज, बर्निंग स्टेज एंड नमनेस स्टेज। माइक्रोवेव एबल रीयूजेबल हॉट एंड कोल्ड पैक। कोल्ड पैक को हम स्वेलिंग कम करने के लिए यूज़ करते हैं, फीवर की कंडीशन में भी यूज़ करते हैं, हेडेक में भी यूज़ कर लेते हैं और टूथएक में भी। मेथड ऑफ यूज़: आप कोल्ड पैक को फ्रीज़र में रख दें फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 minutes, इतना कि ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाए। देन इसे टॉवल में रैप करके इनफ्लेम्ड एरिया पर 5 minutes के लिए अप्लाई कर दें। 5 minutes में ये 4 stages कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे ही नमनेस की स्टेज आती है, पेन गेट थ्योरी के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग पेन रिलीफ स्टार्ट हो जाता है। नमनेस लोकल टिश्यूज़ को एनल्जेसिक और सिडेटिव इफेक्ट देती है, जिससे पेन और स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। अप्लाई कर दें। अगर आप हॉट में यूज़ करना चाहते हैं तो ओवन में इसे 30 seconds to 1 minute तक गर्म करें। दिस इज़ ऑल अबाउट कोल्ड थेरेपी एंड यूज़ ऑफ कोल्ड पैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।